गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम आपके सामने लाए हैं नरेशन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो होते हैं हमारे, वो टॉपिक मैं आज लेकर आया। इससे पहले हम क्या डिस्कस कर चुके हैं, एक्टिव पैसिव और ट्रांसलेशन। ये जो टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं आपके सामने। पहले ट्रांसलेशन, उसके बाद एक्टिव पैसिव। ये स्टार्ट करने का मात्र एक ही एम था, एक ही टारगेट था, ताकि जब नरेशन आएगा तब आपकी टेंसेस पे कमांड हो जाए, आपकी हेल्पिंग वर्ब पे कमांड हो जाए अच्छी। इसीलिए पहले जो टॉपिक था हमारा, वो हमने ट्रांसलेशन स्टार्ट किया था, देन हमने एक्टिव पैसिव स्टार्ट किया, अब जाके हमने स्टार्ट किया है नरेशन। तो ये जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया बेटा, इसकी समझ लीजिए कि ये एक्टिव पैसिव और ट्रांसलेशन जितना ही इम्पोर्टेंट है, और उनसे थोड़ा टफ पड़ेगा। टफ आई मीन, जब तक आपको नहीं आता तब तक के लिए टफ। आपको आ जाएगा, लगेगा सेम, ये तो वैसे ही है सेम, जैसे उन सब में होता था वैसे ही इसमें। तो बेटा जब हम बात करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की, तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज डायरेक्ट एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट का मीन्स हो गया किसी चीज को ज्यों का त्यों लिख देना, या ज्यों का त्यों कह देना। ठीक है, आई बात समझ में? मतलब जो वक्ता है, जो रिपोर्टर है, उसने हमारे सामने जो बात कही है उसको हम उसी वे में लिखते हैं। ओके, आई बात समझ में? अच्छा, तो अब इस बात को हम करेंगे, लिखेंगे कैसे। हमने सपोज दैट, डायरेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो हमें कहा जाए कि राम ने खाना खाया, ये हो गया सिंपल सा। लेकिन यही बात राम ने खाना खाया ये मैं कह रहा हूँ, वो बात अगर कोई दूसरा कहेगा जाके कि ऐसा है, उसने कहा है कि राम ने खाना खा लिया है, तो ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। तो जब किसी बात को ज्यों का त्यों कह दिया जाए तो वो हमारा डायरेक्ट स्पीच। उसी बात को कोई दूसरा पर्सन जो मीडिएटर हो वो आकर कहेगा तो वो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। ठीक है, इनडायरेक्ट का मीन होता है अप्रत्यक्ष, यानी कि डायरेक्टली ना होकर किसी दूसरे पर्सन के माध्यम से। और डायरेक्ट का मीन्स क्या होता है? प्रत्यक्ष। ठीक है, ये चीज आज समझ में आई। अब हम बात करते हैं इसके कुछ जनरल रूल्स हैं, जो जनरल रूल्स हैं हमारे, उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे। बेटा आपके सामने अभी जो सारे रूल्स हैं वो डिपेंडेंट हैं रिपोर्टेड स्पीच पर, रिपोर्टिंग वर्ब पर, और जो हेल्पिंग वर्ब होगी और जो उसके पर्सन चेंजिंग होती, इन सब पर बेस्ड होंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, आपको ये बताना चाहूंगा कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच होता क्या है। तो जब भी आपको डायरेक्ट मिलेगा, डायरेक्ट नरेशन मिलेगा, वो आपका होगा उसमें इन्वर्टेड कॉमा जरूर से यूज होगा, ये समझ लीजिए। तो जो इन्वर्टेड कॉमा अगर लगा है बीच में, तो इन्वर्टेड कॉमा के जो पहले का पार्ट होता है, ये जो इन्वर्टेड कॉमा के पहले का जो पार्ट होगा आपका, वो आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है। और इन्वर्टेड कॉमा के जो बाद का पार्ट होता है, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है। इतनी चीज आई समझ में? ये आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है। अब जो सारे रूल्स होंगे वो मैं ये नहीं बताऊंगा कि इन्वर्टेड कॉमा के पहले के पार्ट में अगर ऐसा हो तो ऐसा करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के बाद के पार्ट में ऐसा हो तो ऐसा करेंगे। हम डायरेक्टली उसका नेम क्या रखेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में अगर ये होगा तो हम करेंगे। सपोज आपका नाम इसीलिए रखा जाता है ताकि आपके मम्मी पापा या आपके आस पड़ोस वाले आपको सीधा बताएंगे, बेटा रमेश को बुला लो, बेटा इसको बुला लो। तो अब अगर वो ऐसा कहें कि बेटा उस आदमी को बुला लो जिसकी एक आँख कानी है और एक वो कान पतला, ऐसा तो नहीं कहते ना वो। क्यों? क्योंकि उसका नाम रख गया, स्पेसिफिक नेम एक रख दिया गया है। तो उसी तरीके से इसका भी एक नाम रख दिया गया है, ताकि हम रूल जब डिफाइन करेंगे तो सीधा हम इसकी बात करेंगे कि इन द रिपोर्टेड वर्ब अगर ये होगा तो ये होगा, और रिपोर्टेड स्पीच में अगर कुछ ऐसा मिलेगा तो उसमें ये होगा। अब देखते हैं कि क्या हमारे जो जनरल रूल है, जो सामान्य नियम है, वो किस प्रकार हम उनको फॉलो करेंगे उसकी बात। हाँ, तो बेटा हम बात कर रहे थे जनरल रूल्स की, यानी कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वहां पर जो बेसिक रूल्स होंगे वो क्या होंगे,
देखिए रूल्स दो टाइप के होंगे आपके, कुछ बेसिक रूल्स यानी कि जिनको हम जनरल रूल्स बोलते हैं, और दूसरे हमारे होते हैं स्पेसिफिक रूल, यानी कि जो बाद में कोई ऐसी कंडीशन आती है तब उसको फॉलो करते हैं। लेकिन ये जो जनरल रूल्स होंगे इनको फॉलो तो आपको करना ही है, अगर यही आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट आगे नहीं सीख पाएंगे। जैसे एक्टिव पैसिव के बेसिक रूल थे और ट्रांसलेशन में बेसिक रूल थे। ट्रांसलेशन का बेसिक रूल क्या है? सबसे पहला बेसिक रूल तो यही है कि आपको उसकी पहचान और उसकी हेल्प मोड पता होनी चाहिए, तभी आप इंग्लिश ट्रांसलेट कर पाएंगे, अदरवाइज आप कर ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनाते समय जो बेसिक रूल नंबर वन आता है वो आपका होता है कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो जो आपको इन्वर्टेड कॉमा मिलेगा, आप जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये कॉमा आपका हट जाना है, ठीक है। उस कॉमा के प्लेस पर लगना क्या है वो उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा, लेकिन ये तो कंफर्म हो गया कि इनडायरेक्ट जब भी बनाओगे आप तो कॉमा हट जाएगा, ये कॉमा। दूसरी चीज आती है, सेकंड रूल आता है कि सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखिए, सेकंड रूल है कि पहले कॉमा हटाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज आगे कि सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखें। जैसे ही मैंने रिपोर्टिंग वर्ब देखा आपके मन में क्या आना चाहिए कि हाँ सर ने बताया था कि इन्वर्टेड कॉमा के पहले का पार्ट, बाकी बात नहीं हो रही है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का नाम लेते ही आपके सबसे पहले इमेज ये बननी चाहिए कि हाँ हम बात कर रहे हैं इन्वर्टेड कॉमा के पहले की बात। अब जब हम इन्वर्टेड कॉमा के पहले की बात करेंगे बेटा, तो वहां पर हमें रिपोर्टिंग वर्ब में ये चीज देखनी है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है, इफ जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है आरवी जो है वो अगर आपकी प्रेजेंट इंडिफरेंट में दी है, अगर जो रिपोर्टिंग वर्ब ही आपकी है वही हमारी प्रेजेंट इंडिफरेंट में दी है, अगर प्रेजेंट इंडिफरेंट में दी होगी तो वहां पर क्या लिखा होगा? वहां पर सेल लिखा होगा, क्या लिखा होगा? SAYS सेल लिखा होगा, ठीक है। या फिर आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो आपकी फ्यूचर में हो सकती है, फ्यूचर में होगी तो वहां पर क्या लगा होगा? वहां पर विल या शैल का यूज होगा आपका। तो ये दो चीजें आपने देखी कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस जो है वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है या फिर आपका फ्यूचर में है, तो अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में आता है तो आप ये समझ लीजिए कि जब अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ये है प्रेजेंट या फ्यूचर, तो जब आप उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करेंगे हम, यहां पर कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो यानी कि इन बेसिक रूल्स में अगर आपने यही गलती कर दी कि आपने उसको फ्यूचर और प्रेजेंट और दिया है, इसने आप इसको पहचान ही नहीं पाएंगे तो आगे कर नहीं पाएंगे ना। तो आपने देखा कि प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो जब उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो नो चेंज, मतलब जैसे लिखा है सेम वैसे ही अंदर उसको लिख देंगे, थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं, वो पर्सन चेंजिंग होती है जो आपका नेक्स्ट थर्ड रूल में आएगा कि पर्सन चेंजिंग कैसे होती है, लेकिन बाकी कुछ उसमें चेंज नहीं होगा। तो ये चीज समझ में आई, कब होगा? प्रेजेंट या फ्यूचर दो में होगा, नहीं करना है। तीसरा क्या बचा आपका? पास्ट। तो जब आपका पास्ट टेंस में होगा, क्या रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस में होगी तब हम उसके रूल्स फॉलो करेंगे, और जो रूल्स आपको आगे बताए जाएंगे उन्हीं रूल्स को हम फॉलो करेंगे। वो सारे रूल्स किसके लिए हैं? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, रिपोर्टिंग वर्ब की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। आपने अगर रिपोर्टेड स्पीच को देख लिया कि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो गड़बड़ हो जाएगा, पूरा गलती हो जाएगी और पूरा नरेशन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये है। उसके बाद थर्ड रूल में आता हूँ, वो आपका है पर्सन चेंजिंग और पर्सन चेंज। हाँ तो स्टूडेंट हम बात कर रहे थे जनरल रूल्स की, जो बेसिक रूल्स थे हमारे, और दो रूल्स मैं बता चुका था हूँ आपको कि इन्वर्टेड कॉमा जब बनाएंगे आप उसका इनडायरेक्ट स्पीच, तो इन्वर्टेड कॉमा आप हटा देंगे। दूसरा रूल था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी फ्यूचर या प्रेजेंट में होगी तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। थर्ड रूल है हमारा कि बेटा पर्सन चेंजिंग का, ये हमारा रूल नंबर थर्ड है जो पर्सन चेंजिंग का है, ठीक है। पर्सन चेंजिंग कैसे करते हैं?
अगर रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच जो डायरेक्ट की है, डायरेक्ट स्पीच में अगर ही शी या कुछ भी दिया होता है तो हम देखते हैं उसका, जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वो चेंज हो जाता है। हमें समझ में नहीं आता कैसे चेंज किया, तो बेटा उसके लिए मैं सारा एक ही बार में लाया हूँ, आप इसको एक बार पढ़ेंगे फिर आपको पर्सन चेंजिंग की कोई दिक्कत नहीं होगी, ये समझ लीजिए। तो अगर मैं बात करूँ कि जो हमारा फंडा है, हर एक चीज़ की एक शॉर्ट ट्रिक होती है जो हमेशा हमें याद रहती है, और उस शॉर्ट ट्रिक से हम चीज़ों को अपनी तरफ से बढ़ा सकते हैं और हमें मेमोराइज भी रहता है वो चीज़। तो बेटा उसके लिए एक रूल बनाया गया है 1 2 3, और यहाँ क्या होता है हमारा बताइए क्या होता है? ये तो आपको शायद कुछ ना कुछ याद आ रहा होगा, क्या होता था 1 2 3 बटे सन, या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं सन अपॉन 1 2। ये चीज समझ लीजिए कि ये जो आपका था ये बेसिक रूल था, सन का एस का फॉर सब्जेक्ट, ओ रेफर टू द ऑब्जेक्ट, एंड एन रेफर टू द नो चेंज। तो यहाँ पर जब आपका फर्स्ट पर्सन होता है तो वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज होगा, और जब आपका सेकेंड पर्सन होगा तो वो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट चेंज होगा, एंड जब थर्ड पर्सन होगा तो नो चेंज होगा। यानी कि जो एस है, एस रेफर टू द सब्जेक्ट, ओ रेफर टू द ऑब्जेक्ट, एंड एन रेफर टू द नो चेंज। जब ये हमारे सामने होंगी हम इन चीजों का फॉलो करेंगे, और फर्स्ट पर्सन में क्या चीज़? भाई आपको ये पता चल गया कि फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग होगा, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग होगा, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है और आपका सेकंड पर्सन में क्या आएगा, थर्ड पर्सन में क्या आएगा। देखिए जब पर्सन चेंजिंग की बात आएगी तो बेटा जब फर्स्ट पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन कब होगा ये समझ लीजिए, जब आपके सामने आई और वी गिवन होगा तो आप समझ जाएंगे कि ये हमारा फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच की बात हो रही है, रिपोर्टेड स्पीच में कैसे बदलाव करते हैं। आपने देखा कि आई या वी में से कुछ आया है तो वो आपका फर्स्ट पर्सन है, तो जब आप उसका ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे, ठीक है, जब वो आपका ऑब्जेक्टिव केस होगा तो वो उसका मी या अस हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पर्सन जब होगा तो सेकंड पर्सन आपका यू होता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है, और ये पजेसिव केस, पजेसिव केस मतलब जो अपने के लिए आता है, यहाँ पर माई और अवर आता है, यू का योर होता है। थर्ड पर्सन में क्या आ जाता है आपका ही शी ई, ही शी इट दे, उसी अकॉर्डिंग ही का हिम और शी का हर और इट का इट और दे का दे में ऑब्जेक्टिव केस होता है, और उसका पजेसिव केस यानी कि जो अपने के लिए होता है वो हिज हर इट्स और देयर होता है। एक पजेसिव केस में एक चीज और होती है, वो पजेसिव एडजेक्टिव में आ जाता है, जब वहाँ पर माई का माइन होता है और अवर का अवर्स होता है, वो आपको शायद यहाँ पर नहीं यूज़ करना है या ऐसी कोई कंडीशन नहीं आएगी कि हमें इसकी यूज़ करने की जरूरत पड़े। तो ये तो आपको पता चल गया, आप इनके नोट्स जरूर से ज़रूर बना लें, अदरवाइज पर्सन चेंजिंग में अगर आपको पर्सन ही नहीं पता होगा कि फर्स्ट पर्सन है कौन सा और सेकंड पर्सन कौन है तो आप नहीं कर पाएंगे। अभी जो मैंने इसको बताया इसको थोड़ा मैं ब्रीफली बताता हूँ। यहाँ पर आपके सामने दिया है 1 2 3 अपान में एस ओ एन, ठीक है, हमने देखा जब उसका डायरेक्ट स्पीच हम बनाएंगे, हमने देखा कि सपोज एग्जाम्पल में लिखा है राम सेड टू मोहन कॉमन वर्ड कॉमन स्टार्ट, उसके बाद लिखा है आई विल फिनिश माई वर्क, ठीक है, राम सेड टू द मोहन, राम सेड टू मोहन कॉमन वर्ड कॉमा आई विल फिनिश माई होमवर्क, ये दिया एग्जाम्पल में। तो ये बताइए रिपोर्टेड स्पीच में क्या आया आपका, आई आया, आपने आई देखा, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, आई को देखा फर्स्ट पर्सन है, जब आई हमारा फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट क्या था, राम ने कहा था श्याम से, तो जो राम क्या हो गया, राम एक बॉयज हो गया, यानी कि बॉयज हो गया, तो वहां पर क्या आएगा, ही आएगा, ठीक है, अगर कोई लड़की का नाम होता तो शी आता, आई बस में, तो जब उसका डायरेक्ट बनाएंगे तो वहां पर राम यहाँ आई था, आई के प्लेस पर क्या आ जाएगा हमारा, ही आ जाएगा, क्यों, क्योंकि वो जो फर्स्ट पर्सन था ये अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज होके आया, आई बस समझ में। तो जब भी आप इसके अभी मैं एग्जाम्पल कराऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारा बेसिक रूल्स में सबसे इम्पोर्टेंट मैं रूल इसको मानता हूँ, ये समझ लीजिए कि ये
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर परसेंट चेंजिंग आपको नहीं आएगी तो आप 100 में से 90 डायरेक्ट डायरेक्ट गलत ही करते आएंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिए, इसके नोट्स बना लीजिए अच्छे से, और उसके बाद कुछ रूल्स और हैं जो हमारे जनरल रूल्स हैं उनको देखते हैं। हाँ तो बेटा, अब हम बात करेंगे जो हमारा रूल नंबर 4 है, वो आता है रिपोर्टेड स्पीच के जब हम टेंस चेंज करें। सपोज आपका डायरेक्ट स्पीच में दिया है राम सेड टू मोहन ...... आई विल फिनिश माई होमवर्क, ये था। देन आपने ये तो समझ लिया कि आपने सबसे पहले देखा रिपोर्टिंग वर्क। रिपोर्टिंग वर्क अगर प्रेजेंट या फ्यूचर के अलावा पास्ट में है तो आपका रिपोर्टेड स्पीच में चेंज होना है। रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या चेंज होंगे वो मैं बता दिया है कि बेटा पर्सन चेंजिंग होती है। दूसरी चीज आती है टेंस चेंजिंग। टेंस चेंजिंग कैसे करते हैं वो बता रहा हूँ। तो बेटा ये समझिए, टेंस चेंजिंग अभी आपने दिया कि आई विल वाला दिया फ्यूचर वाला, तो फ्यूचर वाले से पहले अगर आपको दिया है पास्ट या प्रेजेंट के किसी टेंस में, तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस चेंजिंग कैसे करते ये समझ लीजिए। सपोज आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। ये समझ लीजिए अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच, तो वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, जिसमें पास्ट इंडेफिनिट। ये चीज आई समझ में? तो मैं ऐसे कर करके सारे रूल्स बताने से अच्छा मैं ये समझूंगा बेटा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट के किसी भी टर्म्स में है, प्रेजेंट के किसी भी टर्म्स में है, तो वो पास्ट के उसी टर्म्स में, उसी पास्ट में बदल जाएगी, समझ रहे हो? उसी पास्ट में चेंज होगा। अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है तो पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में दी मैंने तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगी। आई वॉज उनमें सारे रूल्स याद करने से अच्छा है कि आप एक बेसिक सा रूल याद रखें कि अगर रिपोर्टेड स्पीच आपकी बात कर रहा हूँ मैं, कॉमा इनवर्टेड कॉमा के बाद का पार्ट प्रेजेंट के जिस भी टेंस में होगा आप उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, पास्ट के उसी टेंस में उसको कन्वर्ट कर देंगे। इतनी चीज समझ में आई? ये तो हो गया पहला रूल। अब दूसरी चीज बात आती है कि आपके मन में सवाल होगा कि सर ये तो बात हो गई प्रेजेंट में है तो पास्ट में बदल देंगे, अगर पास्ट में ही होगा तब क्या करेंगे? तो दूसरी चीज है कि सपोज दैट पास्ट में, तो अगर वो पास्ट इंडेफिनिट में है तो किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। ये समझ लीजिए, पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपके मन में सवाल होगा सर अगर पास्ट परफेक्ट में होगा तब क्या करेंगे हम, अगर पास्ट परफेक्ट में ही होगा तब क्या करेंगे? तो बेटा पास्ट परफेक्ट में है तब हम क्या करेंगे इसको, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज आती है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है तब क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तब क्या होगा? तो ये समझ लीजिए कि अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो वो आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज वर लगा होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हैड बीन में। लेकिन अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो ये क्या होगा बेटा, अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा तो यहाँ पर नो चेंज, ये ध्यान रखने वाली चीजें हैं। आई बात समझ में? यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। और अगर पास्ट परफेक्ट में दिया हुआ है तो पास्ट परफेक्ट में भी क्या होगा आपका? कोई चेंज नहीं होगा। ये चीज समझ लीजिए, यानी कि प्रेजेंट के किसी भी टेंस में होगा पास्ट के उसी टेंस में चला जाएगा, इनडायरेक्ट बन जाएगा आपका। पास्ट में बात आती है कि पास्ट के भी तो चार होंगे, तो समझ लीजिए पास्ट इंडेफिनिट कन्वर्ट होगा पास्ट परफेक्ट में, और जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है वो चला जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और ये पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बदलेगा। अगर आपका आता भी है बाय द वे, अगर ऐसा दिया तो नहीं होता है, अगर ऐसा दे ही देता है तो हम उसे किसी में भी चेंज नहीं करेंगे। ये चीज आपको समझनी है। अब इसके बाद बात करेंगे बेटा फ्यूचर की। फ्यूचर में देख लेते हैं, ये तो बात होगी प्रेजेंट की और पास्ट की, अब हम बात करते हैं फ्यूचर की। अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच जो है वो फ्यूचर में गिवन है, तो जब हमारी फ्यूचर में गिवन होंगी उसके क्या रूल्स हैं वो हम देख लेंगे, या आपका इंटरव्यू में जो होगा। तो देखिए अगर फ्यूचर में दिया होगा तो आपको ये पता है विल होगा या वहां पर क्या होगा, शैल होगा,
इट डजंट मैटर कि विल भी है या शैल भी है, आपको देखना है कि विल है या शैल है। तो जो भी होगा विल जो कन्वर्ट होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? वुड में। और जो शैल होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा शुड में। इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। ये अगर फ्यूचर में है, फ्यूचर में है तो विल शैल लगा होगा, वो विल शैल कन्वर्ट हो जाएगा वुड में और या शुड में। बात आती है अगर सर कैन होगा यहाँ पर, तो ये भी कैन भी सेम रूल है, कैन होगा कुड में और मे किसमें कन्वर्ट होगा? माइट में। तो ये आपके थे कुछ जनरल रूल्स, बेसिक रूल्स थे। ठीक है, इतनी चीज आई समझ में? तो मैं समझता हूँ कि अब आगे बढ़ने के लिए हमें ये बेसिक रूल्स बहुत ही कारगर साबित होंगे, ये अच्छे से काम आएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा वो आप स्पेसिफिक रूल मिलेंगे इसके, यानी कि जो तो हमारे से रूल्स है ये तो फॉलो करना ही है। फिर वो उसके बाद विशेष रूल्स आ जाएंगे, वो आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और इन सब रूल्स को पढ़िए, अच्छे से नोट्स बना लीजिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए।